बुरहानपुर जिले की आशा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आशा कार्यकर्ताओं ने वेतन संबंधी मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। सुषमा बैरागी ने बताया है कि राज्य सरकार लगातार विभागों को असंतुष्ट कर रही है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। इस संबंध में CMHO राजेश सिसोदिया से भी बात की गई तो उन्होंने सर्वर नहीं चलने से वेतन में दिक्कतों का कारण बताया है। साथ ही 102 दिन में निराकरण किए जाने की बात भी उन्होंने कही। हमारी ये मांग है कि हमारी जो पेमेंट है वो 3 महीने के बाद आती है। हर महीने बराबर बराबर समय पे पैसे नहीं आते। वाउचर बराबर 25 तारीख को जमा कर देते हैं, लेकिन पेमेंट हमेशा 3 महीने में आती है। और हमारा ये जो सवाल है स्टेट लेवल से है कि वहाँ से सॉफ्टवेयर से गड़बड़ है, जो भी है, लेकिन किसी की गड़बड़ी से आशा का घर थोड़ी ना चलता है। आपसे जानकारी लगी है, भागरला उत्पाद केंद्र तो चिकित्सक का पद तो उत्पाद केंद्र पर होता नहीं है, पर ANM और CHO में जो भी वहाँ पे, मैं BMO से जानकारी लेके कि वहाँ पे पदस्थ है तो वो रेगुलर क्यों नहीं जा रही है, और नहीं है तो फिर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था में करें हमारी पेमेंट के लिए कि जो समय पे हमारी पेमेंट आ जाए। जैसे अभी हमको बोला कि स्टेट लेवल पे सारी प्रॉब्लम है और ये पेमेंट हमारी आ नहीं रही है। आगामी चुनाव भी उसको लेकर भी क्या प्रतिक्रिया रहेगी आप लोगों की? आगामी चुनाव के लिए हमारी प्रतिक्रिया ये रहेगी कि जितने भी जिले में 450 आशा कार्यकर्ता है, हम चुनाव का बहिष्कार